करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के रोहिणी की, जहां पर ब्लास्ट हुआ था स्कूल की दीवार के पास। अब इस मामले में टेलीग्राम चैनल से पूछताछ होगी। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम चैनल को चिट्ठी लिखी है, जस्टिस लीग इंडिया को लेकर जानकारी मांगी गई है। जस्टिस लीग इंडिया ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। टेलीग्राम चैनल ने धमाके का सीसीटीवी अपलोड किया था। सीसीटीवी फुटेज में सफेद टी शर्ट में संदिग्ध नजर आया। टेलीग्राम चैनल से पुलिस को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। तो बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में, जिस तरीके से कल संडे के दिन सीआरपीएफ स्कूल के पास रोहिणी में दीवार के पास जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप देखा गया था। और यहां पर ब्लास्ट की धमक इतनी तेज थी कि यह आवाज जो है वो दूर तक गूंजी थी, जिसके चलते आसपास की खड़ी गाड़ियों के शीशे भी टूट गए थे और स्कूल की दीवार भी इस दौरान टूटी है। इस मामले में जांच की जा रही थी। अब इस मामले में नया मोड सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम चैनल को चिट्ठी लिखी है इस मामले में, जस्टिस लीग इंडिया को लेकर जानकारी मांगी है। इसमें जस्टिस लीग इंडिया ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। टेलीग्राम चैनल ने धमाके का सीसीटीवी अपलोड किया था। सीसीटीवी फुटेज में सफेद टी शर्ट में संदिग्ध नजर आए और टेलीग्राम चैनल से पुलिस को अभी तक कोई जवाब इसमें नहीं मिला है। जिस तरीके से चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है, उसमें अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। बता दें कि रविवार सुबह 7:30 बजे के करीब जब दिल्ली के रोहिणी स्थित प्रशांत विहार में ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी, तो इससे इलाके में दहशत फैल गई। इसके लगभग 20 मिनट बाद ही जैसे जैसे एरिया में बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों का पहुंचना शुरू हुआ, तो फिर इस मामले ने और भी चिंता बढ़ा दी। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को एक पत्र लिखकर जस्टिस लीग इंडिया नामक चैनल से संबंधित जानकारी मांगी है। यह कार्रवाई रोहिणी में हुए ब्लास्ट के बाद की गई है। और वहीं रोहिणी स्कूल के पास ब्लास्ट के बाद दिल्ली हाई अलर्ट पर है। ब्लास्ट की जांच के लिए पुणे की टीम रोहिणी पहुंची। पुणे सीआरपीएफ की एक टीम पहुंची है घटना वाली जगह पर, घटनास्थल पर। पुणे सीआरपीएफ की जांच अभी जारी है और दिल्ली इस वक्त अलर्ट पर है। जिस तरीके से यहां पर ब्लास्ट किया गया है, उसके बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को एक पत्र लिखकर जस्टिस लीग इंडिया नामक चैनल से संबंधित जानकारी मांगी है। यह कार्रवाई रोहिणी में हुए ब्लास्ट के बाद की गई है। कल शाम इस टेलीग्राम चैनल पर धमाके का सीसीटीवी फुटेज अपलोड किया गया था, जिसमें इस विस्फोट की जिम्मेदारी ली गई थी। हालांकि टेलीग्राम की तरफ से अभी तक दिल्ली पुलिस को कोई जवाब नहीं मिला है। रोहिणी ब्लास्ट की जांच अभी जारी है, लेकिन अभी तक किसी संगठन का नाम सामने नहीं आया है। पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए हर एंगल से जांच कर रही है। रोहिणी ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ। रोहिणी ब्लास्ट मामले की एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है। धमाके से सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में छेद हुआ है। मौके से भारी मात्रा में सफेद पाउडर बरामद किया गया है। धमाके से कई दुकान, गाड़ियों के शीशे टूटे। पीसीआर कॉल करने वाले शख्स से पूछताछ कर रही है। और वहीं एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत अज्ञात लोगों पर एफआईआर इस मामले में दर्ज कर ली गई है। कल करीब 7:40 पर यह धमाका हुआ था। तो बता दें कि कल सुबह सवेरे संडे के दिन 7:40 पर यह धमाका हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखा गया। अब एक के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। हर एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में रहस्यमय धमाका हुआ। धमाके की जांच में जुटी कई एजेंसियां। मौके से सफेद पाउडर मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। पूरे इलाके की मैपिंग की जा रही है। रेडिएशन की आशंका की भी जांच कर रही है। एनडीआरएफ और एमएचए ने दिल्ली पुलिस से जांच की रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने धमाके पर एफआईआर दर्ज की है। सीसीटीवी तस्वीरों की भी जांच की जा रही है। स्पेशल डॉग स्क्वाड टीम भी इस मामले में जांच कर रही है। तो देखिए, हर एंगल से इस मामले में जांच की जा रही है। एमएचए ने इस जांच की रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने धमाके पर एफआईआर दर्ज कर ली है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और बड़ी ही बारीकी के साथ इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द तह तक पहुंचा जा सके। और चलिए अब इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी जावेद हुसैन की एक खास रिपोर्ट देखिए। रविवार को दिल्ली के रोहिणी के सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री के पास हुए ब्लास्ट के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दिल्ली को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि हाल ही के दिनों में पूरे देश में त्योहारों का सीजन है, लेकिन जिस तरीके से त्योहारों से पहले दिल्ली में स्कूल के बाउंड्री के पास ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे अब एजेंसी और दिल्ली पुलिस
ये जानने में लगी हुई कि क्या ये एक दस्तक है या फिर इसको एक टारगेट के तौर पर ब्लास्ट किया गया है। कुछ सस्पेक्ट देखे गए हैं लेकिन सोर्सेस का कहना है कि अभी उसको वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन 17 सेकंड के उस सीसीटीवी फुटेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना जोरदार हुआ कि एक तरफ स्कूल का की बाउंड्री वार थी तो दूसरी तरफ रोड की उस तरफ गाड़ियां और दुकानों के शीशे वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो गए। मौके पे पहुंची देश की तमाम जांच एजेंसियों के साथ दिल्ली पुलिस की हर एक यूनिट वहां पर मौजूद थी और इस पूरे ब्लास्ट की जांच में जुट गई थी। मौके पे पहुंची एनएसजी की जो स्पेशल बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है अपने एक्सपर्ट के साथ, उन्होंने मौके से मिट्टी से लेके दीवार और कई सैंपल को उन्होंने वहां से कलेक्ट किया है। साथ ही उन दुकानों और कार की शीशों के भी सैंपल को वहां से कलेक्ट किया है। 3D पूरी तरीके से ग्राफिक की गई है, वीडियोग्राफी के साथ साथ स्टिल फोटोग्राफ भी लिया गया है जिससे कि इस पूरे ब्लास्ट के एक एक एविडेंस को जोड़ा जा सके। मौके पे पहुंची FSL ने इस पूरे ब्लास्ट के जो मौके पे था उसको उन्होंने जांच किया और वहां से उन्होंने सैंपल उठाया। अब रिपोर्ट के आने का इंतजार है लेकिन शुरुआत में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, एक्सपर्ट का मानना है कि ये लो डेंसिटी ब्लास्ट हो सकता है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रविवार की जगह सोमवार का दिन होता तो फिर क्या होता, क्योंकि जिस स्कूल के बाउंड्री के पास ये ब्लास्ट हुआ है उस बाउंड्री के ठीक पीछे स्कूल की असेंबली होती है और वहां पर सैकड़ों बच्चे वहां पर जमा होते हैं। लेकिन क्या इस ब्लास्ट के पीछे कोई एक मैसेज देना है एजेंसीज और पुलिस को या फिर इसके पीछे कोई और मकसद है? फिलहाल इसको टेरर एंगल और हर एंगल से लेकर और दिल्ली पुलिस एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की लोकल पुलिस ने एक्सक्लूसिव एक्ट के तहत TNS के और कई धाराओं में इस मामले को दर्ज किया है। फिलहाल सेल, NSG, NIA और इसके अलावा देश की दूसरी एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक सोमवार के दिन CRPF की एक स्पेशल यूनिट पुणे से और दिल्ली पहुंची और CRPF स्कूल के इस बाउंड्री के पास से तमाम जांच को कर रही है और कई सैंपल्स को भी कलेक्ट कर रही है क्योंकि दीवार पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और CCTV को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका कितनी जोरदार रहा। चश्मदीदों का कहना है कि बहुत तेज आवाज हुई, उसके साथ आवाज के साथ तकरीबन 15 मिनट तक जो धुआं है पूरे आसमान में फैलता रहा। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ब्लास्ट के बाद एजेंसी और दिल्ली पुलिस की टेरर यूनिट और लोकल पुलिस जांच को पूरी तरीके से तेज कर दी है। इस जांच को लेकर अब जल्द खुलासे की कोशिश की जा रही है कि इस ब्लास्ट से जुड़े तमाम एंगल सामने आ सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्लास्ट के महज कुछ घंटों बाद टेलीग्राम चैनल्स पर इस ब्लास्ट के CCTV फुटेज और खालिस्तान के समर्थन में लेकर कई ऐसे कंटेंट सामने आए जिसमें ये साबित होता है कि कहीं इसके पीछे खालिस्तानी एंगल तो नहीं है। जस्टिस इंडिया लीग नाम के एक चैनल के CCTV फुटेज के वायरल होने के बाद उसमें खालिस्तान जिंदाबाद और ये लिखा होना कि जिस तरीके से खालिस्तान से जुड़े लोगों को मारा जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उनमें उनको बेकसूर बताते हुए कि वो लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी पहुंच से दूर हैं, हम कहीं पर कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की कंटेंट को लेकर ये कवायद लगाया जा रहा है एजेंसी की तरफ से कि कहीं ये खालिस्तानी एंगल तो नहीं हो सकता, क्योंकि जस्टिस इंडिया लीग के टेलीग्राम चैनल के बाद ये वीडियोस CCTV जो ब्लास्ट का है रोहिणी का, उसको पाकिस्तान के कई टेलीग्राम चैनल पर इसको सर्कुलेट किया गया और ये वो चैनल्स है जो पाकिस्तान का ISI जो एजेंसी है वो इस पूरे वीडियो को और इस पूरे चैनल्स को ऑपरेट करता है। ISI टेलीग्राम के कई चैनलों को ऑपरेट करता है जिसमें कश्मीर में जिहाद से लेकर कश्मीर में होने वाले टेरर एक्टिविटीज को भी इस चैनल्स पर सर्कुलेट किया जाता है। जिस तरीके से इस ब्लास्ट के बाद देश की एजेंसी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पूरे टेलीग्राम के इस कंटेंट को अपने रडार पे लिया है और ये दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे ISI का हाथ हो सकता है और कहीं ना कहीं इसे खालिस्तानी एंगल देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये प्रोपोगेंडा है या फिर वाकई इसके पीछे कहीं ना कहीं
पाकिस्तान खालिस्तान को समर्थक है उनका हाथ हो सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर देश की जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे वीडियो को और इसके साथ कई कंटेंट को कई ग्रुप में पाकिस्तानी चैनल्स में सर्कुलेट किया गया, उसमें दावा किया गया कि इसके पीछे खालिस्तानी एंगल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही, लेकिन जिस तरीके से खालिस्तानी एंगल सामने आ रहा है उसको लेकर भी जो एक्सपर्ट है या एजेंसी सूत्रों का ये कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में बीकेआई यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो आतंकी संगठन है, प्रतिबंधित संगठन है, और उसके कई ऐसे आतंकी जो हिंदुस्तान से भागकर इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं, तो इस पूरे के पीछे क्या इस पूरे नेक्सस का तो हाथ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कंटेंट जो सामने आ रहा है, जो पूरा एक लैंग्वेज और ये पूरा जो पोस्ट सामने आ रहा है, उससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके पीछे आईएसआई और खालिस्तानी कनेक्शन हो सकता है। लेकिन ब्लास्ट को देखकर ये साफ लगाया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से ब्लास्ट लो डेंसिटी था, और सबसे बड़ी गनीमत की बात है किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, वहां पे मौजूद गाड़ियां और कुछ दुकानों की शीशे टूटी है, उससे ये साफ अंदाजा है कि जो बॉम्ब है वो प्लान किया गया था, और इस तरीके से प्लान किया गया था कि ये सुबह के वक्त एक मैसेज के तौर पर हो, क्योंकि जो रोहिणी का इलाका है वो दिल्ली का वो इलाका है जहां पर आमतौर पर जो सोसाइटीज या दुकानें हैं, नई दिल्ली या साउथ दिल्ली या साउथ ईस्ट की तरफ वैसे कई जगह जिस तरह से भीड़भाड़ होता है, रोहिणी की तरफ आमतौर पर वैसा नहीं होता है। कई दुकानें थी जो आमतौर पर खुलती है, लेकिन वो दुकानें नहीं खुली। अब जहां इस पूरे मामले को लेकर एजेंसी पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी जो को समर्थन में जिस तरीके से जो कंटेंट और पोस्ट शेयर किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस पूरे पोस्ट को आईएसआई के द्वारा कुछ जो टेलीग्राम चैनल्स को ऑपरेट किया जाता है और वो पूरे इसको हैंडल करते हैं, और ऐसे में ये जो पूरा एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, कई टेलीग्राम चैनल्स का नाम भी सामने आया, इसको लेकर एजेंसी अलर्ट हो गई है और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।